नमस्कार, वीकी न्यूज में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खाली सड़क, एक तेज रफ्तार कार, उसमें बैठे चार लोग और गाड़ी की स्पीड 230। जी हां, चौंकिए मत, सही सुना आपने, गाड़ी की स्पीड 230। सोशल मीडिया पर एक वीडियो चमकर और तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक BMW कार खाली सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ती हुई नजर आ रही है। इस गाड़ी में बैठे चार लोग, जो ड्राइवर है उसको कहते हैं कि गाड़ी की स्पीड और तेज करो। जैसे जैसे मीटर घूमता है, गाड़ी की स्पीड 230 के पार चली जाती है। वीडियो की शुरुआत में ड्राइवर के साथ बैठा शख्स ये भी कहता है कि आज हम चारों मरने जा रहे हैं। जी हां, अब जैसे जैसे ये मीटर घूमता है, लोगों की धड़कने भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जिसने ये वीडियो देखा वो चौंक गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही कार की स्पीड 230 के पार जाती है, ये वीडियो अपने आप कट हो जाता है। आपको बता दें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव था और इस लाइव के बंद होने के बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें देखकर आप अंदर तक हिल सकते हैं, क्योंकि ये 230 की रफ्तार से खाली सड़क पर जा रही BMW कार कुछ देर बाद एक कंटेनर से टकरा गई और 1.25 करोड़ की BMW कार पल भर में कबाड़े में तब्दील हो गई। इसका खौफनाक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 1.25 करोड़ की वो कार जो कुछ देर पहले तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में दौड़ रही थी, उसका जो हश्र हुआ वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। किस तरीके से 1.25 करोड़ की वो कार पल भर में कबाड़े में तब्दील हो गई और उसे बाद में बोरे में भर कर ले जाना पड़ा। बताया ये भी जा रहा है कि उस कार का इंजन करीब 20 मीटर तक दूर तक जा गिरा था। इसके बाद लगातार अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ये सनक कही जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि जो शख्स वीडियो के शुरू में ये कहता है कि अब हम चारों मरने वाले हैं, वो आखिर में वो दुखद और गलत शब्द थे जो नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि कभी कभी मुंह से निकली हुई बात अक्सर सच हो जाया करती है। ये सोशल मीडिया पर लोग अब इस वीडियो पर कमेंट करके बता रहे हैं। आपको बता दें, जिस शख्स की ये कार थी वो असल में डॉक्टर था और उसके पास एक BMW बाइक भी है जो करीब 15 लाख रुपए की बताई जा रही है। अब ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।